Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sushmita. If you are new here, I post videos related to beauty and makeup, DIYs and hacks, everything on my channel. By the way, DIY आज के लिए इस चैनल पे पहली बार जा रहा है और मैं पहली बार बात भी कर रही हूँ आप लोगों से, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में या मेरा वीडियोज़ कौन देख रहे हैं क्या. मुझे इसलिए मन किया आप लोगों को मैं जान पाऊँ थोड़ा सा, और मैं वैसे भी बहुत नई हूँ इन सब चीज़ों पे, तो इसीलिए ये सब चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहती थी कि कौन कैसे देख रहे हैं मेरा वीडियोस और आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस. अगर आप लोगों ने देखा है मेरा वीडियोस, तो पहली बार बात भी कर रही हूँ. अब तक सिर्फ वॉइस ओवर चल रहा था मेरे चैनल पर, मैं सिर्फ वॉइस ओवर दे रही थी वीडियोज पे. थोड़ा नर्वस थी बात करने के लिए, बात कर करके मेकअप करने में, इसीलिए शायद. तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं बात करूं थोड़ा, और उसके साथ एक DIY एक स्किन केयर मैं अपने ऊपर करना चाहती थी इसीलिए. तो आज न्यू ईयर है एंड यस, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. सो आप सबका ये साल, जो पिछले साल जितने भी बहुत कुछ सबके लिए अच्छा नहीं गया, किसी के लिए बहुत अच्छा था साल, किसी के लिए अच्छा नहीं गया. आई होप 2021 सबके लिए बहुत अच्छा जाए. ओके, सो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है बिल्कुल. और मैं अभी बस मुंह धोकर आती हूँ और ये DIY करेंगे. सो आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस. सो द फर्स्ट स्टेप इन आर DIY इज अ स्क्रब. स्क्रब कम उसके साथ वो मसाज भी करेगा, तो मैं दोनों को मिक्स करके करूंगी, क्योंकि एक्नी पिंपल्स जिसके फेस में हो, आप लोगों के लिए स्क्रब नहीं करना चाहिए. ओके, स्क्रब और ज़्यादा ख़राब कर देगा उस चीज़ को, इसीलिए मैं कोई हार्श स्क्रब मैं यूज़ नहीं करूंगी. मेरे फेस में भी थोड़े थोड़े पिंपल्स हो रहे हैं, मैं बस नॉर्मल से बहुत लाइटली उसको बस मसाज कर रही हूँ फेस को, और कुछ रगड़ना वगड़ना नहीं है फेस में. बस हल्के हाथों से अपने फिंगर टिप से मैं उसको स्क्रब करूंगी. आई एम टेकिंग कर्ड. ओके, ऐसा ले रही हूँ मैं. एंड देन आई एम टेकिंग ओट्स, लिटिल बिट ऑफ हनी, मिक्स ऑल ऑफ दिस नाइसली. के कर्ड पिगमेंटेशन और आपका जहाँ पे ब्लेमिशेस और ये सब में स्किन को बहुत अच्छे से क्लींस करता है कर्ड. तो कर्ड और हनी मैंने इसलिए यूज़ किया, विंटर्स है, स्किन ड्राई हो रहा, मेरा वैसे भी ऑयली स्किन है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, बट टी जोन में मेरा ऑयली स्किन है, तो हनी मॉइस्चराइज करेगा. और मैं ये पूरा एक्चुअली स्क्रब नहीं, मसाज के लिए, मसाज के लिए भी कर रही हूँ, तो एक हल्का सा मसाज भी हो जाएगा स्किन को स्क्रब के साथ, क्योंकि मैं पिंपल्स की वजह से ज़्यादा स्क्रब प्रेफर नहीं करती हूँ. और स्क्रबिंग हफ्ते में एक या दो बार ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो फिर स्किन ख़राब हो जाएगा, बहुत हार्श हो जाएगा स्किन के लिए वो. और पिंपल्स और एक्ने के लिए तो आप लोग बिल्कुल ही स्क्रब मत कीजिए फेस को. मैं थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से बस फिंगर टिप से ही मसाज कर रही हूँ, और घिसना तो बिल्कुल नहीं है फेस को ऐसे ही. बाप रे. और DIY अगर हो सके तो आप लोग जितना रात के टाइम में करो उतना ही अच्छा है फेस के लिए. अगर फेस स्किन केयर के लिए कुछ भी कर रहे हो, रात को करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बाहर फिर आप लोग अगर अभी दिन के टाइम करके हम लोग फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो फिर वही धूल डस्ट फिर फेस पे लग जाता है, और उसका कुछ इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है. और ये सब और ये ओट्स से मैं इसलिए स्क्रब बना रही हूं, ताकि ये ज्यादा हार्श ना हो फेस पे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत एक्ने है, थोड़ा बहुत क्या है, एक्ने बहुत पिंपल्स है, और उसके ऊपर मैं स्क्रब नहीं कर सकती. और ये ओट्स बिल्कुल स्क्रब के जैसे लगता ही नहीं है मेरे को.
बस हल्का सा मैंने मसाज कर लिया, अभी मैं बस स्मूथ होकर फिर हम लोग चलेंगे फेस पैक की तरफ। आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस। स्क्रब के बाद, अपने फेस को वॉश करने के बाद, एक्चुअली माई स्किन फील्स रियली वेरी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड आफ्टर दिस। स्किन बहुत सॉफ्ट फील कर रहा है क्योंकि उसमें हनी था और स्क्रब, ये दही था, हनी और दही था उसकी, इसलिए स्किन बहुत सॉफ्ट कर देता है वो सब। और ओट्स भी ज़्यादा हार्श नहीं होता स्किन के लिए। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे फेस पैक। तो फेस पैक के लिए हमें पहले चाहिए थोड़ा सा लिक्विडिस, मुलेठी पाउडर। ओके, मैं ये यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के मार्क्स रह गए हैं फेस पे, उसके लिए। और ये है एल्प्स गुडनेस का मुलेठी पाउडर और ये हेल्थ एंड वेलनेस पाउडर है, ये फूड क्वालिटी वाला है, ठीक है। और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे पास ये है, मैं यूज़ करती थी बोल के ये है मेरे पास, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपके पास अगर अच्छे किसी ब्रांड का क्वालिटी का है मुलेठी पाउडर, अगर आपको मिल रहा है देन यू कैन टेक इट। मुलेठी आपके फेस को वाइटनिंग, वाइटनिंग तो नहीं, स्किन लाइटन करता है, थोड़ा काम करता है। अगर आप लोग उसको थोड़ा रेगुलरली यूज़ करो, हफ्ते में एक दो बार यूज़ करो। और हाँ, पिगमेंटेशन के लिए भी मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है, आपके पिगमेंटेशन को लाइटन करता है, स्किन स्किन को, तो पिगमेंटेशन को भी हटाता है वो, पिंपल्स के जो मार्क्स रह गए थे। अगर नाखून मार देते हैं हम लोग, पिंपल्स होता है तो कभी कभी उसका फिर वो नहीं करना चाहिए, वो फिर उसका वो मतलब स्पॉट छोड़ देता है, डार्क स्पॉट हो जाता है फिर वो पिंपल्स के ऊपर जिस एरिया में हुआ था, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नाखून मार देते हैं हम लोग, पिंपल्स होता है तो कभी कभी उसका फिर वो नहीं करना चाहिए, वो फिर उसका वो मतलब स्पॉट छोड़ देता है, डार्क स्पॉट हो जाता है फिर वो पिंपल्स के ऊपर जिस एरिया में हुआ था, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नाखून, हाथों को तो पूरा दूर रखो आप फेस से अगर पिंपल्स हो रहा है तो, बट ये सब दाग और ये सब के लिए, इसीलिए मैं मुलेठी यूज़ कर रही हूँ, मुलेठी लिक्विडिस इन इंग्लिश, मुलेठी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं थोड़ा सा दही यूज करूंगी, मैं यूज कर रही हूँ बेसन ग्राम फ्लोर। बेसन, मुलेठी और दही के बाद मैं हल्दी मिक्स कर रही हूँ, जो घर का बना हल्दी है, मार्केट वाला नहीं है। और उसको मिक्स करने के बाद ही मैं उसको फेस पे लगाऊंगी। और मार्केट वाला हल्दी उसमें कलर्स एंड ऑल होते हैं यार, हल्दी वो सब यूज मत करना मुंह पे। और हाँ, अगर अच्छे क्वालिटी का अमेजोन पे आई थिंक मिल जाएगा आपको, अच्छे क्वालिटी का जो वाइल्ड टर्मरिक होता है, वाइल्ड टर्मरिक कस्तूरी हल्दी जो होता है, दैट इज गुड फॉर योर स्किन, आप उसको यूज कर सकते हो। पर मैंने तो ये घर पे ही बनाया था, जो रॉ हल्दी आते हैं उसको सुखा के सन में, उसको ड्राई सन ड्राई करके उसको मैंने ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर, उसको फिर मैंने उसको सीव कर दिया था, फाइन पाउडर उसका मैंने रख लिया था। और अभी ये भी खत्म हो रहा है, वो बहुत कम है तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, बट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो वो, क्या कस्तूरी हल्दी। मैं उसको फिर फेस पे बस ऐसे ही एक पेस्ट के तरह मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। हल्दी का बहुत प्रॉपर्टीज है, एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। हल्दी आपके पिंपल्स और एक्ने के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। लिक्विडिस आपके हेल्थ, आपके फेस में जो अनवांटेड हेयर्स है उसको भी, अगर आप रेगुलरली यूज करते हो लिक्विडिस, उसमें भी हेल्प करता है। ओके, लिक्विड स्किन वाइटनिंग के लिए भी काम आता है। मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं है स्किन वाइटन करने का, जैसा जैसा भगवान ने बनाया है मैं वैसे ही खुश हूँ। तो मुलेठी लिक्विड आपके फेस का पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को हटाने में भी बहुत काम करता है। ओके, आई डोंट बिलीव इन दो स्किन वाइटनिंग
जो लोग स्किन वाइटन हो जाएगा, आप सफेद हो जाओगे, आप पूरे आपका स्किन एकदम 2-3 शेड लाइट हो जाएगा आपके अभी के स्किन से, मैं वो सब चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा डस्की स्किन है, मैं उसके साथ खुश हूँ, वेरी मच हैप्पी विथ माई स्किन। सो मैं बस, हाँ ये बिलीव, हाँ अपने स्किन को अच्छा रखना, अच्छे से उसको मेंटेन करने का कोशिश करना, अच्छे से उसको थोड़ा, हाँ स्किन को ग्लोइंग रखना, स्किन को डार्क स्पॉट से हटा के उसको स्पॉटलेस रखना, मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ, ना कि गोरा होना एंड वो सब चीज पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ओके और करना भी नहीं चाहिए, भगवान ने जैसे बनाया खुश रहो ना। मेरे को मेरी मम्मी बुआ ये लोग सब लगा देते थे, मम्मी उतना नहीं लगाती है, मम्मी उतना ये सब चीज में बिलीव नहीं करती, ना मम्मी के पास टाइम भी नहीं होता वो सब लगाने का। मैं अभी लगा देती हूँ मम्मी को, अगर मेरे पास टाइम होता है कभी, मैं लगा रही होती हूँ तो मैं भी मम्मी को लगा देती हूँ। ओके सो हाँ, तो ग्राम फ्लोर और क्लीन करता है आपके स्किन को, आपके फेस को, एंड देन और कर्ड भी आपके पिगमेंटेशन वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है कर्ड। और सब कुछ लगाने के, हाँ मेरा हो गया, यस आई एम डन विद द फेस पैक राइट नाउ। हाँ फेस पैक अभी इसको ड्राई होने के लिए 10-20 मिनट लगेगा, उसके बाद, हाँ इसे पूरा ड्राई नहीं करना होता, लगाने के बाद आप थोड़े टाइम उसको रखो और 80% to 90% ड्राई होगा और थोड़ा सा वेट होगा, उसी के बाद ही उसको रिमूव करना है थोड़ा थोड़ा, और पूरा ड्राई, वो पूरा जो मतलब पूरा ड्राई होने तक उसको वेट नहीं करना, ठीक है। नेक में मैं अभी लगा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा टी शर्ट वाइट लग जाएगा उसमें, पर आप उसको जब भी आप ये फेस पैक लगाओ आप फेस के साथ नेक में भी लगाओ। अभी फिलहाल मैं नेक में नहीं लगा रही हूँ क्योंकि टी शर्ट वाइट है, फिर मैं धोने के टाइम फिर वो लग जाएगा स्टेन। हाँ जब भी आप ये फेस पैक लगाओ, हल्दी है और ये सब है, तो कोई भी पुराना सा टी शर्ट कुछ भी पहन के आप उसको लगाओ। मैं अभी ये पहनी हुई थी तो मैं और अभी चेंज नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी चेंज करना, तो इसलिए मैं नेक में नहीं लगा रही हूँ। लेकिन आप जब लगाओ तो नेक पे भी लगाना, फेस और नेक दोनों पे लगाना, और उसको हर भी कोई भी चीज, जब भी आप फेस वॉश करते हो या कोई भी स्किन केयर का कुछ भी चीज आप यूज करते हो तो फेस और नेक दोनों में लगाना। ओके किसी को छोड़ना मत, क्यों नेक को फिर बुरा लगे कि आपने सिर्फ मुंह पे लगाया, ठीक है। दिस वॉज द स्किन केयर आई डिड फॉर टूडे। ये सब ऐसे ही मतलब मैंने सारे चीजों को बहुत सिंपल इसलिए किया जो आपके किचन में आराम से आपको मिल जाएगा। हाँ एक लिक्विडस ही है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है उसके लिए, और बाकी सब चीजें तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे। और लिक्विडस अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स से आप उसको अपने फेस पे लगा के उसको यूज कर सकते हो, और स्किन में बहुत अच्छा डिफरेंस एक्चुअली पता चलता है। ओके और नेचुरल चीजें वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, कोई केमिकल्स एंड ऑल से तो बेटर ही है, केमिकल्स इन सब चीजों से स्किन में जितने इफेक्ट्स होते हैं उससे तो ज्यादा बेटर है आप नेचुरल चीजें लगाओ। और या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप लोग ये सब ट्राई भी करते हो, ये रेसिपी, ये अगर DIY आप ट्राई करते हो अपने ऊपर, अगर आप लोग ये DIY ट्राई करते हो अपने ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके ऊपर ये इसका क्या कैसा इफेक्ट हुआ, आपको कैसा लगा ये यूज करके। और तब तक के लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।